व्हाट इज़ अप एवरीवन, यहाँ पर टाइम आ चुका है एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बनाने का, और प्रॉब्लम को बनाने का इनफैक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो मैं आपको दे ही दूंगा यहाँ पर। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये सारे के सारे वीडियोज़ जो है वो ऐड होते जा रहे हैं हमारे पाइथन ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करना मत भूलना, और यार चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। और जैसे जैसे चैनल में और मेम्बर्स ज्वाइन करते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर मैं जो है सारी की सारी रिक्वेस्ट को ले रहा हूँ, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार कौन सा वीडियो बनाना है कौन सा नहीं बनाना है, तो उस चीज़ को मैं मद्देनजर रख रहा हूँ और मैं जो है अपने प्लान्स को प्रिपेयर करता जा रहा हूँ कि किस तरह मुझे आगे बढ़ना है यहाँ पर, मैं क्या करूँगा जल्दी से टाइम को वेस्ट ना कि आपको अगली प्रॉब्लम दूंगा। दी नेक्स्ट पैलिंड्रोम, अब ये क्या है? तो चलो यार मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसका प्रॉब्लम नंबर 5 है ये हमारी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5। तो यार हमारी प्रॉब्लम नंबर 4 है यार, 5 नहीं है। तो यार जो भी है हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम को, जिसका नाम है दी नेक्स्ट पैलिंड्रोम। तो ये नेक्स्ट पैलिंड्रोम क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पैलिंड्रोम क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक मान लो कोई नंबर है 6116, अगर मैं इसको उल्टा करूंगा नंबर को तो क्या बनेगा 6116। अरे नहीं यार, जब मैं उल्टा करूंगा तब क्या बनेगा, नंबर नहीं, तो यार तब भी वही बनेगा, नंबर ही बनेगा, ठीक है। तो एक ऐसी स्ट्रिंग जिसको उल्टा करके वो खुद बन जाए उसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। तो अगर मैं 616 की बात करूं तो वो भी एक पैलिंड्रोम है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अ पैलिंड्रोम इज अ स्ट्रिंग विच वैन रिवर्स्ड इज इट्सेल्फ, ठीक है, इज इक्वल टू इट्सेल्फ, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल्स ऑफ पैलिंड्रोम इंक्लूड्स 616 हो गया, मॉम हो गया, ज़रूरी नहीं है नंबर्स ही हों, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, पापा तो नहीं हुआ, PAP पाप ज़रूर हो गया। तो यार मैं इस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं लिखना चाहता, पाप वगैरह नहीं लिखना चाहता मैं। 676 एक अच्छा एग्जाम्पल है पैलिंड्रोम का, और उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 10000 कितने भी जीरो लगा के 1 लिख दूँ तो ये भी एक पैलिंड्रोम है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ कन्फ्यूज़ मत हो जाना, एम का कैपिटल कर दिया मैंने, एम को स्मॉल ही रखेंगे, केस सेंसिटिविटी है अगर तो पैलिंड्रोम नहीं होगा मॉम, तो एम पहला वाला और लास्ट वाला दोनों स्मॉल होने चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन है। प्रॉब्लम की बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। यू हैव टू टेक अ नंबर एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र, आपको यूज़र से एक इनपुट लेना है, आपको कहना है कि भाई यूज़र इनपुट दे दो। एक यूज़र जैसे ही आपको इनपुट देगा आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को उस नंबर की नेक्स्ट पैलिंड्रोम निकालनी है। यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट पैलिंड्रोम corresponding to that number। अब आप लोग हो गया ये क्या कह दिया अरे भाई आपने, जैसे मान लो आपने 6 दिया, ठीक है, 6 नहीं मान लो आपने 10 दिया, ठीक है, तो आपने दे दिया इनपुट में मान लो 10 दे दिया आपने। तो मैं यहाँ पर एक और इनपुट का फॉर्मेट यहाँ पर बता देता हूँ, योर इनपुट शुड बी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एंड then take all the cases as input from the user। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह लेनी है। योर फर्स्ट इनपुट शुड बी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एंड देन टेक ऑल द टेस्ट केसेस एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो जैसे मान लो इनपुट में आप लोगों ने बोला कि आप लोग कुछ ऐसे बोलोगे कि एंटर द नंबर ऑफ टाइम एंटर द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स यू वॉन्ट टू टेक, ठीक है, कुछ इस तरह से आप लोग करोगे। जैसे मान लो 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, तो 5 थोड़ी ज़्यादा हो गई, 3 रखता हूँ मैं यहाँ पर, तो मान लो आपने 456 किया, मान लो 451 किया, दूसरी आपने कर दिया 10, और एक और आपने क्या कर दिया, आपने मान लो कर दिया 82133 कर दिया मान लो। तो अब क्या है कि ये सारे इनपुट्स के आंसर मुझे पता है, आप ये मत पूछना मुझसे कमेंट में कि हरी भाई आपको याद है क्या आंसर, तो यार मैंने रन किया हुआ प्रोग्राम इसलिए मुझे याद है। तो आउटपुट में आप लोग को मिलना चाहिए नेक्स्ट पैलिंड्रोम फॉर 451 इज 454, ठीक है, 454। फिर आप लोग को लिखना है नेक्स्ट पैलिंड्रोम फॉर, इसी तरह लिखना है आपको बाकी सारे आउटपुट्स के लिए, ठीक है, जो भी आपके ये नंबर्स हैं इन सब के लिए। तो नेक्स्ट पैलिंड्रोम फॉर 10 क्या हो जाएगा, 11, 10 के लिए 11 हो जाएगा, उसी तरह 2133 के लिए क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2133 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2133 के लिए हमारे पास हो जाएगा 2222, ठीक है। ये मुझे, मैं रट के नहीं बैठा हूँ, मैंने प्रोग्राम रन किया है, आप लोग प्रोग्राम रन करना और ये टेस्ट केसेस देखना पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग को नंबर लेना है कि कितनी बार आप टेस्ट केसेस यहाँ पर लेना चाहते हैं,
कितने, जैसे मैंने 3 लिए, अगर आप 100 करोगे तो आपको 100 इनपुट टाइप करने पड़ेंगे। जैसे 100 मत लेना, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए छोटा नंबर लेना, लेकिन आपका प्रोग्राम कैपेबल होना चाहिए 200 300 जितने भी नंबर्स मैं दूँ उसको उसको हैंडल करने के। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोगों को मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कोड विद हैरी पर मिल जाएगा चैनल पर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना आप लोग, कोड विद हैरी की वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक होगा, जाके क्लिक करना आप लोग और आप लोग को ये प्रॉब्लम मिल जाएगी। उसी के साथ साथ मैं शाउट आउट दे दूंगा जितने भी लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको मालूम ही होगा, तो जितने भी लोग सॉल्व करते आ रहे हैं प्रॉब्लम को मैं शाउट आउट देता जा रहा हूँ। तो शाउट आउट जो है सारे लोगों को मिल रहा है, बराबरी के साथ मिल रहा है, और जो है बहुत एक्टिवली मैं शाउट आउट दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं शाउट आउट नहीं दे रहा हूँ, सबको शाउट आउट दिया जाएगा जितने लोग यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे। सो यार अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूँगा आपको, इस वीडियो को अभी जल्दी से लाइक करके नीचे एक चैलेंज एक्सेप्टेड लिख दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को, और मैं आपको शाउट आउट दूंगा। आप कमेंट करोगे तभी मैं आपको शाउट आउट दे पाऊंगा, नहीं तो आप कमेंट ही नहीं करोगे तो मुझे कैसे मालूम चलेगा आपका नाम क्या है, आप कौन हो। तो अगर आप मुझे अपने बारे में भी कुछ बताओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। सो यार अपन लोग इंटरेक्ट करेंगे कमेंट में, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।